जागो लोगो जगत के, बीती काली रात, हुआ उजाला धर्म का, मंगल हुआ प्रभात। आओ लोगो विश्व के, धारे धर्म महान, शील समाधि निधान हो, होवे प्रज्ञावान। आओ मानव मानवी, चले धर्म के पंथ, इस पथ चलते सत्पुरुष, इस पथ चलते संत। आओ मानव मानवी, चले धर्म के पंथ, पग 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 चलते हुए, करे दुखों का अंत। साधक मित्रों, यह दोहे जब गुरुदेव की वाणी में 6:30 बजे की मंगल मैत्री में शुरू होते हैं, 6 बजे की मंगल मैत्री में जब शुरू होते हैं, शायद हम शून्यागार में हो, चाहे हम धम्म हॉल में हो, पुलक रोमांच हो जाता है। क्या गुरुदेव की वाणी और क्या ये दोहे, आओ लोगों जगत के, जागो लोगों जगत के, बीती काली रात, बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही उत्साह भर देते हैं, सारे दिन के लिए मोटिवेट कर देते हैं कि साधना में हमें कैसे रत रहना है, कैसे लीन रहना है। मैं तो 6 बजे से ही, जब गुरुदेव की मंगल मैत्री शुरू होती है और उसके बाद 6:30 बजे से यह दोहे शुरू होते हैं, मुझे लगता था एक एक गुरुदेव का शब्द मेरे हृदय में समा जाए और मैं उसे फिर प्रोड्यूस भी कर सकूं, उसे फिर से गा भी सकूं। हालांकि ये तो हिंदी में है, लेकिन जो पाली में है, भगवान के शब्द जो हैं उनका उच्चारण करना या उनका गायन करना एक विधि है, उदय व्यय का अनुभव करते हुए उसका गायन या उच्चारण करना है, तो फिर वहाँ धर्म की तरंगे उत्पन्न करता है और किसी भी अवस्था में गाने की उसे मनाही है। एक योग्य अवस्था में उदय व्यय का बोध करते हुए ही उसे गाना चाहिए। तो धर्म की तरंगे, ध्यान की तरंगे, शांति की तरंगे, मैत्री की तरंगे प्रवाहित होती है। दूसरी बात, साधक प्रचंड उत्साह के साथ जाना चाहिए हमने, जब भी साधना करने जाएं, शिविर करने जाएं, बहुत ही मन को मजबूत करके, मन को दृढ़ निश्चय करके और एक बहुत उमंग और उत्साह के साथ शिविर में जाए। न जाने किस क्षण वहाँ चमत्कार की घटना घटे, साक्षात्कार की घटना घटे कहूँ या निर्वाण की डुबकी लगे, कोई कह नहीं सकता। कब भंग अवस्था किसी भी क्षण प्राप्त हो सकती है, वह कह नहीं सकता। उस क्षण को कैच करने के लिए हमारे में प्रचंड उत्साह चाहिए, हमारे में प्रचंड उमंग चाहिए, हमारे में सती सारा शरीर सारा मन एकाग्र चाहिए उस समय को पकड़ने के लिए। वैसे घटना भंग अवस्था तो शरीर में नित्य क्षण प्रतिक्षण क्षण के 100वें हिस्से में भी घटित हो रही है, लेकिन हमारा मन उतना सूक्ष्म तीक्ष्ण नहीं है, एकाग्र नहीं है, बिखरा हुआ है कि वह उसे पकड़ सके। तो कभी भी साधना को वहीं वहीं क्या साधना करूँ, एक एक महीने के शिविर हुए हुए साधक भी गुरुदेव के पास आते हैं, वही वहाँ संवेदना, वहीं सांस क्या देखे। 60 दिन के शिविरों में भी
दीर्घ 20 दिन का 15 दिन का आनापान चलता है तो किस प्रकार शांति और किस प्रकार एकाग्रता रहती है और किस प्रकार नासिका के नीचे ऊपर वाले होंठ के ऊपर सारा शरीर एकाग्र हो, वहाँ की जो गहनतम सूक्ष्मतम जो हलचल है, संवेदना है, उसका मन उसे जानता है, सांसों को जानता है, सांस का आवागमन और उसके साथ साथ वहाँ की संवेदना। तो इस प्रकार हर क्षण उत्साह से जाइए। कभी मत समझिए कि साधना बोरियत है या ये बोझ है या इसे पूरा कर रहा है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। गुरुदेव कहते हैं ना, मैकेनिकल साधना ना हो जाए। और दूसरी बात कह दूँ कि कुछ अपने साधक भाई बहन मुझे गुरुजी कहते, नहीं नहीं नहीं, हम सबके एक ही गुरुजी है, गुरुदेव सत्य नारायण जी गोयनका। बस हम सब साधक हैं, हम सब एक साथ हैं। और दूसरी बात, कभी कभी ये भी हो जाता है, अनेक जो दीर्घ शिविर के साधक होते हैं, गंभीर साधक होते हैं, एक शिविर किया हुआ साधक हो, वहाँ थोड़ा फिर रिजर्व हो जाता है या उसका बिहेवियर हमें रूखा सूखा लगता है। तो वैसा नहीं होता, कई आचार्यों का बिहेवियर हमें रूखा सूखा या कभी कभी हमारे हिसाब से तीक्ष्ण लगता है या दो टुक बात ही करते हैं। यह कारण इसलिए भी होता है साधक मित्रों, नए शिविर में, पहले शिविर में तो वे भी प्रचंड उत्साह से भरे में होते हैं और सबसे बातें करेंगे, सबके नंबर लेंगे, सबके व्हाट्सएप नंबर लेंगे, अनेक ग्रुप्स बनाएंगे, फेसबुक की फ्रेंडशिप करेंगे, सब करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम साधना में पकते जाते हैं ना, तो हम इंट्रोवर्ट होते जाते हैं, हमारा अंतर जगत में खुल जाते हैं, फिर मौन अच्छा लगने लगता है, फिर ज़्यादा जो बढ़ावा है लौकिक व्यवहार का, लौकिक इसमें थोड़े हम मर्यादित हो जाते हैं, साधना के उतनी ही बात करते हैं, बाकी व्यर्थ या बाकी जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, प्याज के छिलके जैसा लगने लगता है, बाकी किसी मूंगफली के ऊपर का जो उसका कवर होता है वैसे लगने लगता है, इसलिए वैसा लगता है, बाकी वे कोई उपेक्षा यानी कि उदासीनता नहीं है, यानी कि किसी के प्रति रूखा सूखापन नहीं है। उदासीनता का भी एक बहुत ऊंचा अर्थ है, जैसे हमारे रामदास स्वामी कहते हैं, लेकिन और उपेक्षा का अर्थ ये नहीं है, निगेटिवली उपेक्षा, हम किसी को कुछ जान रहे नहीं रहे, अपने में ही मग्न है, स्वमग्नता भी नहीं है। यह तो एक बस हम अपने आप को जान रहे हैं, अपने स्वभाव को जान रहे हैं और दूसरे के प्रति मैत्री भाव रख रहे हैं, दो टुक में भी क्यों ना हो उसने जो पूछा उसका जवाब दे रहे हैं। तो प्रचंड उत्साह आवश्यक है, घटना कभी भी घट सकती है, यानी कि इस रूप में रसपूर्ण साधना है यह। मैं और एक उदाहरण से आपको बताऊंगा कि साधना रसहीन कभी भी नहीं है, साधना में आपको, हाँ एक उदाहरण इसके साथ मेल खाता है, अस्वाद व्रत। अस्वाद व्रत स्वादपूर्ण, आपके आगे पंच पकवान की थाली आ गई तो आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन उस भोजन करते हुए आगे भी ऐसा ही भोजन मिले उसकी तुलना कर रहे हैं तो फिर अस्वाद व्रत नहीं हुआ। अस्वाद व्रत यह नहीं है कि हम सिर्फ नीम के पत्ते की चटनी और रोटी ही खाएं, नमक न ले, शक्कर न ले, हाँ जैसी तबीयत हो वैसा आप आहार ले सकते हो, लेकिन जो है अस्वाद व्रत है ना, जो कुछ परोसा गया है, जो कुछ सामने आ गया है, उसमें से जो हमारे प्रकृति अनुकूल हो वो ले ले, पर ऐसा न हो कि हम विशिष्ट पदार्थ के प्रति बहुत मन में ये लेके बैठे कि हमें ये खाना है, हमें वो खाना है, और जो पदार्थ खा रहे हैं उसका भी असीम मात्रा में खाते जा रहे हैं, उसकी कोई मात्रा भी नहीं रख रहे हैं। भक्त मतन्य, साधक की भोजन की मात्रा भी ठराविक होती है, उसकी भोजन की मात्रा भी ऐसी नहीं होती कि जिससे उसकी साधना में कोई व्यत्यय आए, उसकी समाधि में कोई व्यत्यय आए, उसके अधिष्ठान में कोई व्यत्यय आए, वो ऐसे ही पदार्थ ग्रहण करता है कि जो उसे समाधि साधना में पुष्टि बल प्रदान करते हो। तो इस प्रकार, और दूसरी बात एक पूछा गया है साधक ने, मन और चित्त, चित्त और मन एक है क्या? तो यह शाब्दिक दृष्टि से दो समान अर्थ के ही शब्द है। मन की व्याख्या, चित्त की व्याख्या हिंदू धर्म के अनुसार चित्त बुद्धि अहंकार के रूप में की गई है, और मन की व्याख्या, चित्त की व्याख्या जब भगवान बुद्ध करते हैं तो फिर
विज्ञान है, संज्ञा है, अनुभवन है, और फिर आपका संस्कार है। इस प्रकार चार प्रकार से व्याख्या की गई है चित्त की। तो चित्त की चेतना कैसी, तो चित्त क्या है, गुरुदेव एक बार कहते दो चित्त नहीं है, ऐसा जागृत चित्त है और निद्रिस्त या जो सोया हुआ चित्त है वो है। लेकिन यह आप जब आप सोचते हैं कि दो विचार चल रहे हैं या दो बातें चल रही, वैसा नहीं है। एक ही डॉट 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 की लाइन है जो मन है, एक ही डॉट डॉट की लाइन है। तो वह डॉट डॉट की लाइन एक ही है, मन मन कोई दो नहीं है या चार नहीं है। तो यह उसकी विभागनी तो हमने ऐसे एक व्याख्या की गई है, लेकिन जो बात है मन तो एक ही है और उसके चार हिस्से बताए गए हैं भगवान बुद्ध की अनुसार, विपश्यना ध्यान साधना के अनुसार चित्त के चार हिस्से किए गए हैं, जिसमें आपको जो बताया मैंने चित्तानुपश्यना, आप देखेंगे जब आपको पता लग जाएगा कि विज्ञान है, संज्ञा है, संस्कार है और अनुभवन है जो हम, तो फिर यह चित्त की प्रज्ञा है। तो यह चित्त की चार हिस्सों में बांटा गया है चित्त को। और एक बात इसमें है कि आपको मैं यह बताऊंगा कि रस कैसा है साधना में। प्रथम ध्यान की अवस्था प्राप्त करने के लिए यह पांच बातें जरूरी है। काम संबंधी अथवा कामनाओं के बार बार उठने वाले विचारों से दूर होना, इसी प्रकार अकुशल धर्मों से दूर होना, वितर्क का रहना, विचार का रहना और विवेक से उत्पन्न होने वाले प्रीति सुख का होना, प्रीति सुख का होना। इस ध्यान में वितर्क अथवा विचार ऐसे नहीं होते जो काम वासनाओं अथवा कामनाओं से जुड़े हो, क्रोध से जुड़े हो, अकुशल धर्म वाले हो। इनसे दूर होने की वजह से भीतर जागने वाले प्रीति सुख को विवेक से उत्पन्न होने वाला कहा गया है, यानी कि प्रीति सुख और ये जो अवस्था है उसे जैसे कहा गया है। जैसे प्रीति, प्रीति तो अनुभवने की बात है ना, चित्त शरीर भी अनुभव करेगा, चित्त भी अनुभव करेगा। तो वो क्या है प्रीति, क्या है, जब काम करते करते चित्त में से बहुत से विकार निकल जाते हैं तब भीतर ही भीतर आनंद की लहरें उठने लगती है। इसे उन दिनों की भाषा में कहते थे कि प्रीति प्रमोद जागने लगता है। दुखद संवेदनाओं वेदनाओं से छुटकारा होकर प्रीति प्रमोद का जागना बहुत काम की बात है, यह धर्म का आवश्यक अंग है। पर यदि इसके प्रति आसक्ति हो जाए तो प्रीति भी बांधने वाली हो जाती है। अतः साधक केवल इतना मात्र जाने कि इस समय प्रीति जागी हुई है या नहीं, पुलक रोमांच हो रहा है या नहीं, और फिर प्रशब्दी, फिर समाधि, फिर उपेक्षा, हम इसकी बात फिर और कभी करेंगे। तो साधक मित्रों, हमें ध्यान में यही रखना है कि साधना में हमें जागृति रखनी है, सजगता रखनी है। जितनी जितनी हम सजग होते जाएंगे उतना उतना मील के पत्थरों को भी ठीक प्रकार से जान पाएंगे। जैसे दिव्य ज्योति का दर्शन है, दिव्य श्रवण है, दिव्य स्पर्श है, दिव्य रस है, दिव्य गंध है, दिव्य विचार है या दिव्य वितर्क है। तो इन सभी को जानने के लिए हमारा जागरूक होना, सजग होना बहुत आवश्यक है। और सजग रहें और उपेक्षा में, यानी कि जो हमारा मन संप्रज्ञान में रहे, उदय व्यय को जानता रहे। सजग मन क्या करता है, उदय व्यय के प्रति जागरूक रहता है। विचार आएंगे, विचार एक बैकग्राउंड के जैसे आएंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक के जैसे आएंगे, पार्श्व संगीत के जैसे आएंगे, वहाँ अपनी जगह आते रहे। किसी भी चीज़ के प्रति हम प्रतिकार की भावना नहीं रखेंगे, किसी चीज़ के प्रति हम लालायित नहीं होंगे, लालसा नहीं रखेंगे, राग नहीं रखेंगे। इस प्रकार राग द्वेष रहित रहकर हम सिर्फ अनुभव करेंगे, और अनुभव से जो प्रीति सुख जागता है, तटस्थता का जो प्रीति सुख जागता है, उसे भी सिर्फ जान रहे हैं। और ऐसा भी अनुभव होता है साधना में, यह भी जान